नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नील लग्न के जातकों के लिए एक अच्छे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, नील लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्रथम केंद्र के स्वामी होते हैं। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, अर्थात आपके लग्नेश और कर्मेश। इस लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वथा शुभ फल देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, सम्मान के, परिवार के कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में सभी प्रकार से यश सम्मान दिलाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के लग्न मीन के जातकों को यदि कुंडली में निर्णय ठीक से न ले पाने की समस्या आ रही हो, मोटापे की समस्या आने लगी हो, या किसी भी प्रकार से मन की एकाग्रता न हो पा रही हो, मानसिक तनाव बना रह रहा हो, या लग्न के स्वामी बृहस्पति कुंडली के 12वें स्थान में हो, 6ठे स्थान में हो, 8वें स्थान में हो, या शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली के अनुसार पांचमुखी रुद्राक्ष के एक तरफ तीन मुखी रुद्राक्ष और एक तरफ दो मुखी रुद्राक्ष, इन तीन रुद्राक्षों का गंगा जल से धोकर विधि पूर्वक भगवान शंकर का ध्यान करके गले में धारण करना चाहिए। पांचमुखी, तीन मुखी और दो मुखी, इन तीनों रुद्राक्षों को गले में धारण करने से मीन लग्न वाले जातकों को काफी राहत मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन में चल रहे संघर्ष में कमी आती है, रुकावटें दूर होती हैं। दोस्तों, इस लग्न के लोग गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, गंभीरता लिए हुए होते हैं। इस लग्न के लोगों को यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छे फल देने वाला होता है। आज ये हमारा रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन का अंतिम एपिसोड मीन लग्न के बारे में था। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।